हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है नए धमाकेदार वीडियो में। आज मस्जिद सिर्फ नाम की मस्जिद रह गई है। आज मसीह कहने को तो कह देते हैं कि मैं तैयार हूँ, मगर इनके दिल और दिमाग में झांक कर देखो, सारी गंदगी सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है। मगर ऐसे लोगों को आज जरा भी डर नहीं लग रहा है यीशु के कहर से और ना तो उस अनंत काल की आग से। हे मेरे भाइयों और बहनों, थोड़ा सा न्यूज देखना बंद कर दो, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसे ऐसे लोग उठ खड़े होंगे जो बहुतों को गुमराह करेंगे। न्यूज देखने से आपका उद्धार नहीं होगा, बस आप अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। मेरी बात को याद रखना मेरे मसीह भाइयों और बहनों, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर आपको नर्क में डाल देगा। इसलिए अपने उद्धार के बारे में सोचिए कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा न्यूज और वीडियो देखना बंद कर दो और परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग तो नर्क में जाएंगे और साथ में तुमको भी ले जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने आपको अवसर दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझो। अपना टाइम इधर उधर बर्बाद मत करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो व्यवसाय बना कर रख दिया है। हे मेरे भाइयों और बहनों, आपको मालूम होना है कि होना आवश्यक है कि बहुत से भरमाने वाली शिक्षाओं को फैला रहे हैं, लोगों को उधार पाने से रोकना चाहते हैं। ऐसे लोगों का उद्देश्य यह है लाखों करोड़ों आत्माओं को नरक में ले जाना है। आज बहुत कम यह प्रचार किया जा रहा है। स्वर्ग और नरक के बारे में कोई नहीं बता रहा है, बस फालतू की चीजें यूट्यूब पर बताई जा रही हैं। आज यूट्यूब पर न्यूज ज्यादा अपलोड किया जा रहा है। आज यूट्यूब पर वचन का प्रचार बहुत कम किया जा रहा है। अगर कोई स्वर्ग और नरक के बारे में वीडियो बनाता है, यूट्यूब पर वीडियो डालेंगे, तो डर से इस बात का है कि मेरे सब्सक्राइबर ना निकल जाएं। अगर सब्सक्राइब निकल जाएंगे तो व्यूज नहीं आएगा, और व्यूज नहीं आएगा तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो मैं अपनी शौखें कैसे पूरी करूँगा। और वह मसीही मरकर नर्क ही क्यों ना चला जाए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कोई नर्क जाए, मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, बस मेरा फायदा होना चाहिए। आज ये यूट्यूब पर यह कम बताया जा रहा है कि एक बार उस नर्क में चले गए तो वहाँ आग कभी नहीं बुझेगी और कीड़े कभी नहीं मरेंगे। हे मेरे भाइयों और बहनों, अपना फालतू समय बर्बाद मत करो। आप न्यूज देखकर स्वर्ग नहीं चले जाओगे, अपना समय परमेश्वर को दीजिए। वीडियो देखना थोड़ा बंद कर दीजिए। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रेप्चर में यीशु के साथ वही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र होंगे, इस संसार से निष्कलंक होंगे, जो धर्मी होंगे वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे, बाकी सब यही रहेंगे जिंदा जलने के लिए, खून पीने के लिए। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको पता ही होगा मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय परमेश्वर को दीजिए, अपना समय परमेश्वर के वचन को पढ़िए। यीशु ने कहा था, तुम ना उस दिन को और ना उस घड़ी को जानते हो, इसलिए आप लोगों के बहकावे में ना आए, आप अपना मन फिरा लीजिए। हे मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे लोग भरमाने वाले लोगों से बच जाएँ और उद्धार प्राप्त करके स्वर्ग जाएँ और अनंत काल का जीवन पाएँ। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको पता ही है क्या होगा। पहले तो आपको इसी पृथ्वी पर तड़पाया जाएगा, बहुत बुरा हाल होगा। जैसे प्रकाशित वाक्य 16:8 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। और चौथे ने अपना कटोरा इस सूर पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिससे इन विपत्तियों पर अधिकार है उसकी निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिराया। अगर जो यहाँ पर कोई छूट जाएगा तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। परमेश्वर इस सूरज को एक आग का गोला बनाकर रख देगा, मनुष्यों की चमड़ियाँ जिंदा झुलसेंगी, उनकी चमड़ियाँ सिकुड़ जाएंगी, और मौत मांगोगी और मौत भी नहीं आएगी। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर अंतिम न्याय करेगा श्वेत सिंहासन के सामने, तब उसको नर्क में डाला जाएगा। वही शरीर आपको पहनाया जाएगा जिससे आपने गलत काम, विचार गलत काम किया है। और स्वर्ग में कौन जाएगा, देखिए परमेश्वर ने सिर्फ वफादार मसीहों को चुना है, जिन्हें मरने के बाद स्वर्ग में रहने के लिए जिंदा किया जाएगा। पहला पत्रस 1:3-4 में लिखा हुआ है, हम पढ़ देते हैं बाइबल से प्रूफ आपके लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमको जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। अर्थात एक अविनाशी जो कभी नाश नहीं होता है, और निर्मल और अजर मीरास के लिए जिन्हें चुना जाता है उन्हें परमेश्वर के ठहराए स्तरों के मुताबिक पवित्र चाल चलन और मजबूत विश्वास बनाए रखना होता है।
ताकि वह स्वर्ग में रहने का अपना इनाम खो न दे। मैं आपसे फिर से कह देता हूँ मेरे भाइयों और बहनों, स्वर्ग में वही लोग उठाए जाएंगे जो पवित्र होंगे, जो इस संसार से निष्कलंक होंगे वही स्वर्ग में उठाए जाएंगे। आप न्यूज देखकर स्वर्ग नहीं चले जाएंगे। आप अपना फालतू समय बर्बाद मत करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, अपना समय परमेश्वर को दीजिए। इसलिए यीशु जल्दी नहीं आ रहा है कि मेरे बेटे बेटियां नर्क न जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता है। एक और बात मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको हमेशा हमेशा के लिए उस नरक में डाल दिया जाएगा। यह मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला वही आपको बताया जा रहा है। और वहाँ रोना होगा और दांत पिसना होगा, वहाँ इतनी दर्दनाक मौत दी जाएगी। नहीं सह पाओगे इतनी दर्दनाक मौत आप। जब तक आप खुद बाइबल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं पाएगी। सुधर जाओ मेरे भाइयों और बहनों, अपना समय परमेश्वर को दीजिए। मैं फिर से आपसे कह देना चाहता हूँ, जो भाई बहन हमारे साथ में प्रभु यीशु का सुसमाचार फैलाना चाहते हैं, वो हमारी मिनिस्ट्री की बिल्कुल फ्री में मदद कर सकते हैं। मदद करने के लिए वो हमारी इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे वीडियो शेयर करने का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपकी हर एक समय सहायता करे।